हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम टॉपिक सेकंड इंजन के मुख्य भाग हैं उनके मरम्मत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट थर्ड की बात करेंगे। हमारा थ्योरी का चैप्टर है वो टॉपिक सेकंड का कंप्लीट हो गया है। हम तीसरा टॉपिक में लुब्रिकेशन सिस्टम की बात करेंगे, इंजन में किस प्रकार ऑयल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसकी चर्चा करेंगे, और आज की वीडियो में हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कम्प्लीट हो जाएंगे। आगे हम बात करते हैं, हमने पहले के दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीडियो में 30 क्वेश्चन कर लिए हैं टॉपिक सेकंड के। आज के वीडियो में हम 31वें क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। हमारा क्वेश्चन है, सिलेंडर शीर्ष निम्न पदार्थ का बना होता है। सिलेंडर का हेड है वो किस पदार्थ का बना होता है? पहला ऑप्शन है ढलवा लोहा, दूसरा ऑप्शन है पित्तल का, तीसरा ऑप्शन है क्रोमियम का, चौथा ऑप्शन है लोहा का। तो दोस्तों आपको भी पता है सिलेंडर हेड है वो ढलवा लोहे का बना होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, घिसे हुए केम लोब लोब से होता है। पहला ऑप्शन है गिरती हुआ आयनात्मक क्षमता, दूसरा है वाल्व खुलने की ऊंचाई बढ़ना, तीसरा ऑप्शन है वाल्व क्लीयरेंस बढ़ना, चौथा ऑप्शन है इंजन काल कम हो जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गिरता हुआ आयनात्मक क्षमता। अगला प्रश्न है हमारा, क्रैंकशाफ्ट की तापोचा हीट ट्रीटमेंट विधि क्या है? दोस्तों आप इंग्लिश के वर्डों पर ज़्यादा ध्यान दें, हिंदी में कुछ असुविधियाँ भी हो सकती है। इसका पहला ऑप्शन है कार्बोराइजिंग, दूसरा ऑप्शन है टेम्परिंग, तीसरा ऑप्शन है केस आर्डिंग, चौथा ऑप्शन है नाइट्राइडिंग। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी है, वो हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, क्रैंकशाफ्ट जनरल के अंडाकृति और संक्षेपण को जांचने के लिए निम्न उपकरण का प्रयोग करते हैं। इसका पहला ऑप्शन है आंतरिक कैलिपर, दूसरा ऑप्शन है माइक्रोमीटर, तीसरा ऑप्शन है बोर गेज, चौथा ऑप्शन है फिलर गेज। तो इसका सही आंसर है माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, ये शक्ति स्ट्रोक के समय संकित भंडारित करता है, शक्ति भंडारित करता है तथा खाली स्ट्रोक से समय ऊर्जा आपूर्ति करता है, फ्लाईव्हील कहाँ स्थापित होता है? पहला ऑप्शन है हमारा क्रैंकशाफ्ट के अगर छोर पर, दूसरा ऑप्शन है क्रैंकशाफ्ट के पिछले छोर पर, तीसरा ऑप्शन है क्रैंकशाफ्ट के मध्य में, चौथा ऑप्शन है कंपन डैम्पर के समीप। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, क्रैंकशाफ्ट के पिछले छोर पर फ्लाईव्हील लगा होता है। अगला प्रश्न है हमारा, चित्र में दर्शित वाल्व स्प्रिंग को निम्न से पकड़ा जाता है। आप चित्र देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है इसका स्प्रिंग धारक विभक्त लोक के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है टिपिट के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है केम के द्वारा, चौथा ऑप्शन है गाइड के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्प्रिंग धारक विभक्त लोक के द्वारा वाल्व स्प्रिंग को पकड़ा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, पिस्टन उच्च तापमान और दबाव सहन करता है, इसलिए ये निम्न का बना होता है। पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम मिश्र धातु का, दूसरा ऑप्शन है तांबे का, तीसरा ऑप्शन है लोहा, चौथा ऑप्शन है ढलवा लोहा। इसका सही आंसर है एल्यूमिनियम मिश्र धातु का बना होता है पिस्टन। अगला प्रश्न है हमारा, टर्बोचार्जर में टर्बाइन किस प्रकार घूर्णित किया जाता है? पहला ऑप्शन है मफलर के निर्गम गैस से, दूसरा ऑप्शन है निर्गम मैनिफोल्ड के निर्गम गैस से, तीसरा ऑप्शन है पुच्छल पाइप के निर्गम गैस से, चौथा ऑप्शन है क्रैंक केस के निर्गम गैस से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी है, निर्गम मैनिफोल्ड के निर्गम गैस से टर्बोचार्जर को घूर्णित किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, एक इंजन पर तेल सम कहाँ फिट किया होता है? तेल सम का मतलब जो नीचे लगा होता है ना इंजन के, उसकी बात है। पहला ऑप्शन है क्रैंक केस के नीचे, दूसरा है सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर, तीसरा है क्रैंक केस से दूर एक अलग इकाई में, तीसरा चौथा ऑप्शन है तेल फिल्टर के समीप। तो इसका सही आंसर है क्रैंक केस के नीचे है वो तेल सम फिट किया जाता है, ऑयल सम की बात की जा रही है यहाँ पे। अगला प्रश्न है हमारा, पिस्टन में ताप डैम क्या कार्य है? ताप डैम का क्या कार्य है? इसका पहला ऑप्शन है पिस्टन को संतुलित करना, दूसरा ऑप्शन है पिस्टन का भार कम करना, तीसरा ऑप्शन है पिस्टन को ठंडा करना, चौथा ऑप्शन है जल का तापक्रम स्थिर रखना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पिस्टन को ठंडा करना ताप डैम का कार्य है। अगला प्रश्न है हमारा, क्रैंकशाफ्ट के आघूर्ण सीधे निम्न पर जाता है। इसका पहला ऑप्शन है फ्लाईव्हील पर, दूसरा ऑप्शन है प्रोपेलर शाफ्ट पर, तीसरा ऑप्शन है रोड व्हील पर, और यहाँ पे दोस्तों गलत हुआ है, ऑप्शन डी है यहाँ पे,
डी कर लेना। ऑप्शन डी है हमारा डिफरेंशियल पर, यह गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फ्लाईव्हील पर, क्रैंकशाफ्ट का आघूर्ण है वो सीधा फ्लाईव्हील पर जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, यदि पिस्टन रिंग क्लीयरेंस अधिक हो तो क्या करना चाहिए। इसका पहला ऑप्शन है रिंगों से गैस लीक करेगी, दूसरा ऑप्शन है रिंगों से गैस लीक नहीं करेगी, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रिंगों से गैस लीक करेगी, पिस्टन क्लीयरेंस अधिक होगा तो। अगला प्रश्न है हमारा, इंजन में मिस फायरिंग निम्न से होता है। पहला ऑप्शन है अत्यधिक वाल्व क्लीयरेंस है, दूसरा ऑप्शन है कम वाल्व क्लीयरेंस है, तीसरा ऑप्शन है अधिक गाइड क्लीयरेंस है, चौथा ऑप्शन है अधिक पिस्टन क्लीयरेंस है। इसका सही आंसर है कम वाल्व क्लीयरेंस है, इंजन में मिस फायरिंग होता है। अगला प्रश्न है हमारा, एक इंजन में धकेल रोड। दोस्तों आपको यहाँ पे हिंदी वर्डों पर कम ध्यान देता है, इंग्लिश वर्ड पर ज़्यादा ध्यान देना है। इंग्लिश में इसे कहते हैं पुश रोड, ये ज़्यादा समझ में आएगी आपको। एक इंजन में पुश रोड निम्न के बीच होता है। इसका पहला ऑप्शन है वाल्व और रोकर भुजा के मध्य, दूसरा ऑप्शन है कैमशाफ्ट और वाल्व टेपिट के मध्य, तीसरा ऑप्शन है वाल्व टेपिट और रोकर भुजा के मध्य, चौथा ऑप्शन है वाल्व और वाल्व स्प्रिंग के मध्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाल्व टेपिट और रोकर भुजा के मध्य पुश रोड होता है। अगला प्रश्न है हमारा और आज का लास्ट प्रश्न है, सिलेंडर लाइनर दबाव तापक्रम तथा टूट फूट सहन करने के लिए होता है, इसलिए ये निम्न से बना होता है। सिलेंडर लाइनर किसका बना होता है। पहला ऑप्शन है निकिल लोहा का, दूसरा ऑप्शन है केंद्रापसारी ढले लोहे से, तीसरा ऑप्शन है लोहा ढला हुआ, चौथा ऑप्शन है अर्ध लोहा ढला हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अर्ध ढला हुआ लोहा से बना होता है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और दोस्तों हमारा टॉपिक सेकंड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। हमारा कल से नया टॉपिक शुरू होगा इंजन लुब्रिकेशन के बारे में, इंजन ऑयल के बारे में। ये हमारे BRO का टॉपिक भी है एग्जाम का, कल हम वो शुरू करेंगे, उसका थ्योरी का पार्ट पढ़ेंगे और उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।